ना तो सोया आई, ना उसने कॉल की। ऐसे तो बात सदियों में भी नहीं बनेगी। कुछ तो करना होगा। सर आप कैसे हैं? मिस रोजी जी, आपसे एक छोटा सा काम था। हेलो मिस जोया, मिस जोया शाह जी, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। आपके फादर की क्या हुआ डॉट को? जी वो उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, मुझे डॉक्टर गजाली ने कहा था आपको फोन करने के लिए। आप आ रही हैं ना? जी जी मैं बस अभी आ रही हूँ। आ रही इन्होंने मार्क्स वगैरह मशीन सेट कर दी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सेटिंग कर दी है। थैंक यू सिस्टर सो मच। आप तो जानती हैं मोहब्बत जंग में सब कुछ जायज है। मंगेतर है मेरी असल, थोड़ा नाराज हो गई है इसलिए। अच्छा अच्छा अब मैं समझी। मैं संडे चर्च में आपके लिए प्रे करूँगी ताकि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थैंक यू। लगता है आपकी भी लव मैरिज हुई है, तभी आप को प्यार करने वालों का एहसास है। हाँ बिल्कुल। अब नहीं 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 ओके सर, थैंक यू। मेरी ये सजा कब खत्म होगी? कब खत्म होगी ये सजा? तुम्हारा हर शौक पूरा करने के लिए मैं जो बैठा हूं यहां, तुम्हारा बाप। मैं तुम्हारी अम्मा को तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन कम से कम एक अच्छा बाप तो बनकर दिखा सकता हूं। अम्मा ने आज ही कहा था कि मैं उन्हें माफ कर दूं, और आज ही वो क्या डांट भी तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाएंगे। दिल से डैड, अम्मो के बाद आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा प्लीज। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। सोया माई, प्लीज मुझे कोई बुरी खबर मत देना, मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ आओ, चलो।